मना रहे हैं। 16 जुलाई सन 2017 और रविवार का दिन है। और मित्रों, आपके सामने हूँ हृदय के भावों को लेकर। खाली आपसे ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुस्कुराइए और जीवन की संपूर्ण सहजता के लिए इन आंखों में देखते हुए ये 20 मिनट मेरे लिए ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों ने सवाल किया कि दाती महाराज, दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता के लिए क्या करें। आपका मित्र हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि दाम्पत्य जीवन की अनुकूलता के लिए ईच अदर, दोनों आपस में आदर करना बहुत जरूरी। पति और पत्नी दोनों आपस में अपने रिश्तों की कदर करें तो सदा दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हर व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है और यही एक कारण है कि पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन प्रतिकूलता से भरा हुआ है। अद्भुत उपाय यह है, पति पत्नी की कदर करें और पत्नी पति की कदर करें, रिश्तों की कदर करें। रिस्पेक्ट, रिलेशन बहुत जरूरी है। यदि रिलेशन में रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर जीवन अनुकूल नहीं चलता है। आप कहेंगे कोई उपाय, तो रविवार के दिन 1.25 किलो बर्फी स्वस्थ थाली में रख दे, श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, महादेव का ध्यान करें, मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम उर्वा रुक्मि वंदनात् मृत्यु मुमोक्षे मामृता 108 बार जाप करें। पति पत्नी दोनों इस मिठाई को अपने ऊपर से 11 बार उसार कर गरीब निर्धन कन्याओं में बांट दे या फिर गाय को अपने हाथ से खिला दे, दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। और बात करते हैं रविवार के पंचांग की। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी, विक्रम सन 2074 रविवार का प्रातकालीन नक्षत्र रविवती नक्षत्र चंद्रमा मीन राशि में। और बात अब उनकी करना चाहता हूं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 16 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 16 जुलाई आपका जन्मदिन और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मन हमेशा विचलित रहता हो, आलस्य और प्रमाद ने आपको घेर रखा हो, सही समय पर निर्णय नहीं ले पा रहे हो, किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा हो, ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा माता पिता की चरण स्पर्श करें, ये अद्भुत उपाय है। यदि 16 जुलाई को आपका जन्म हुआ तो माता पिता की नियमित चरण स्पर्श करने से संपूर्ण ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। संतान संबंधी कोई परेशानी है तो हर सोमवार को श्रद्धानुसार सौंप सफेद कपड़े में बांधो और अपनी संतान के ऊपर से 7 बार उसार कर किसी वीराने में दबा दो जहां हल नहीं चला हो, ना चलने की संभावना हो। कार्य सफलता के लिए हमेशा अपने पास लाल रंग का रुमाल रखना बड़ा अच्छा रहेगा। और जब कभी यात्रा पर जाएं तो यात्रा की सफलता के लिए तांबा का सिक्का जल में प्रवाह करना बहुत जरूरी, ये आपके लिए बहुत उत्तम उपाय है। एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में और अब मैं आपको ले चलता हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए मैं बात करूँगा रविवार के राशिफल की। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि ग्रहगोचर की बात कर रहा हूं और ग्रहगोचर अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहा है। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा संयम बरते हैं, अनावश्यक वाद विवाद और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। परिवार से अनबन और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न न हो पूरा प्रयास करें।
परेशानियों के निवारण के लिए आज के दिन व्यर्थ के दिखावे से आपको बचना होगा और किसी के बहकाव में नहीं आए और खर्चों पर नियंत्रण रखें। सुबह से लेकर शाम तक गोचर अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहा है। छोटा सा उपाय जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओम क्राम क्रीम क्रौम श भूमाय नमः मंगल के बीज मंत्र का जाप करी। हनुमान जी के श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करिएगा, कष्ट कम आएगा। क्या करें, कार्यों के प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, भूमि और वाहन संबंधी कार्य आज ना करें, भूमि और वाहन में पूंजी निवेश आज ना करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि, गोचर आपके पक्ष में करवट ले रहा है, ग्रह गोचर शुभ फलदायी है, घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा, स्वजनों और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, निजी कार्य में व्यस्त रहेंगे और व्यस्त रहने का लाभ भी मिलेगा, यात्रा करना भी संभव है। क्या करें, सास और मनोबल से कार्य में डटे रहें। क्या ना करें, कारोबारी सौदों में लापरवाही ना बरतें। नमन और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, ग्रह गोचर सितारों का शुभ संकेत, परिवार से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा और भाई बंधुओं से मेल और मिलाप बढ़ेगा, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आज व्यवसाय में उन्नति और धन कोष में वृद्धि होगी। क्या करें, निजी संपत्ति यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या ना करें, महत्वपूर्ण कार्य की गोपनीयता का भंग ना करें। नमन मेष वृषभ मिथुन की बात करी, कर्क सिंह कन्या की बात करूं, उससे पहले रविवार का राहुकाल और रविवार की यात्रा। रविवार का राहुकाल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक और राहुकाल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं जाता, ये सलाह मेरी मर्जी आपकी। बात करते हैं आज की यात्रा। आज पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ रहेगी। मेरा ये कहना है कि समय और साधन बदल गए, आप किसी भी दिशा में यात्रा करें। आज के दिन कुष्ठ रोगियों को अपने हाथ से भोजन कराइए और मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलिएगा, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, ग्रह गोचर थोड़ा सा मध्यम है, संयम और धैर्य की आवश्यकता आज जरूर है, लेकिन स्वविवेक से आर्थिक और पारिवारिक स्थिति उत्पन्न होगी। स्वविवेक से आर्थिक और पारिवारिक स्थिति उत्तम रहेगी, कारोबार के क्षेत्र में प्रोत्साहन पैदा होगा, धन लाभ होगा, कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बस थोड़ा सा भाई बहन और मित्रों से मेलजोल बनाना बहुत जरूरी है और किसी भी पेपर पर बिना सोचे समझे हस्ताक्षर नहीं करना ना मनाएं। क्या करें, यदि कोई कारोबारी यात्रा है तो संपन्न कर सकते हैं। क्या ना करें, अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें, न मना रहे। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत दे नहीं रही, आज सितारे प्रतिकूलता का संकेत दे रहे हैं। आज अपनों के साथ सगे संबंधियों के साथ अनबन हो सकती है, मानसिक और शारीरिक तनाव नजर आ रहा है, धन और प्रिय वस्तु की हानि की प्रबल संभावना है, पारिवारिक जिम्मेदार के प्रति लापरवाह रहे तो मोटा नुकसान भी हो सकता है। बहुत जरूरी आज सूझबूझ कर निर्णय लें। छोटा सा उपाय, गरीब निर्धन लोगों को श्रद्धानुसार गेहूं का दान दीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्या करें, कार्य सफलता के लिए समझौता करें। क्या ना करें, चिकित्सा के प्रति लापरवाही ना करें, न मना रहे। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, समय उत्तम, सितारों का शुभ संकेत, भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है, दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी, प्रयासों की सराहना होगी और किए गए प्रयासों के कारण उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता बने रहेगी, किसी प्रिय मित्र के सहयोग से संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति और सफलता हासिल होगी, साझेदारी के कार्य में भी लाभ मिलेगा, यात्रा कर सकते हैं। नमन है, क्या करें, थोड़ा सा परिवार के साथ मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें, किसी को भी कटु वचन ना बोले, न मना रहे। और बात, क्योंकि अभी कर्क सिंह कन्या की बात करी, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं, लेकिन उससे पहले आज की वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह में आज
जिस भवन में पूर्व दिशा में पूजा स्थल होता है उस भवन का मुखिया बहुत ही सात्विक विचारक होता है। वो अच्छे कर्मों से समाज में मान और सम्मान की प्राप्ति करता है। इसलिए हमेशा पूजा स्थान पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और बात करते आज के सुझाव। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं हो, आज के दिन रविवार के दिन राहु काल के दौरान माँ भगवती की श्री चरणों में चौमों का घी का दीपक चलाए, चंदन और धूप अर्पित करें और 11 कमल घटे माँ के श्री चरणों में अर्पित करेगा, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, उत्तम फल प्राप्ति का ग्रह नक्षत्र संकेत दे रहे। कानूनी झंझट से रात मिलेगी, हर क्षेत्र में विजय होंगे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, पारिवारिक वातावरण अनुकूल और सुखद बना रहेगा, शरीर में साहस और स्फूर्ति का संचार होगा, यात्रा बड़ी सफल रहेगी। क्या करें, कार्य सिद्धि के लिए प्रयासरत रहें। क्या न करें, क्रोध और आवेश में आकर कोई कार्य न करें, न मना रहे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में गोचरी संकेत रहेगा, आज परिवार आपके आसपास खड़ा नजर आएगा, परिवार के सहयोग से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, कारोबार संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कार्य व्यवसाय में सुधार होगा, आय ठीक रहेगी, लेनदेन के मसले भी ठीक रहेंगे, बस संतान की वजह से कोई कहा सुनी नहीं हो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण बेहतर रहेगा। क्या करें, संतान पक्ष का सहयोग करें। क्या ना करें, संभव हो तो यात्रा में कोई लापरवाही ना करें। नमन। और बात करते हैं धनुराशि की। धनराशि में सितारों की बात करूं, अत्यधिक आत्मविश्वास नुकसान का कारण बनेगा, सितारे ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, सोच विचार के कार्य करें, बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें, वाहन आदि का चोट का भय है, वाहन ध्यान से चलाएं और कुटुंब परिवार की तरफ से भी चिंताजनक समाचार प्राप्त हो सकता है, सुबह से लेकर शाम तक छोटा सा उपाय, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः, बृहस्पति की बीज मंत्र का जाप श्रद्धानुसार करिए, पीली वस्तुओं को दात, गरीब निधन स्वागन स्त्री को करिएगा, कष्ट कम आएगा। क्या करें, जीवन साथी की बात का महत्व दें। क्या ना करें, कोई नई मशीनरी में आज पूंजी निवेश ना करें। तुला वृश्चिक धनु की बात करी, मकर कुंभ मीन की बात करें, उससे पहले उपाय और अद्भुत देसी नुस्खे। सर्वप्रथम उपाय, कठिन परिश्रम और मेहनत के उपरांत भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो, धन का अभाव रहता, क्योंकि किसी भी गुरुपुष्य नक्षत्र दिन माँ लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराई, श्रद्धापूर्वक शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण कराई, पंचोपचार पूजन करी, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करी, सफेद मावे की मिठाई का भोग लगे, ओम महाभागाय नमः इस मंत्र का जाप करते माँ लक्ष्मी को लाल कमल की 108 पुष्प अर्पित करी, देखिए कैसे परेशानियों से मुक्ति मिलती है। नमन। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खे। यदि घाव है कहीं तो डॉक्टर को दिखाने में लापरवाही नहीं, नुस्खा यह है कि पीसी हुई हल्दी को सरसों के तेल में हल्का सा गर्म करें और सुहाता हुआ रुई में भिगोकर घाव के ऊपर नियमित कुछ दिन पट्टी बांध दीजिए, घाव भर जाएगी, अद्भुत है। और बात करते हैं योगिक मुद्राओं की। यदि आपको अपच की शिकायत रहती है तो हर रोज 48 मिनट तर्जनी को अंगूठे की जड़ में रख दीजिए और हल्का सा अंगूठे से तर्जनी को दबा दीजिए, इसे वायु मुद्रा कहते हैं। 48 मिनट इस मुद्रा में ओम हम पवनंदना स्वाहा इस मंत्र का 48 मिनट जाप करिए और लगातार कुछ दिन करके देखिएगा, अपच से छुटकारा मिल जाएगा। नमन आ रहे। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, भाई बंधुओं का सहयोग मनो अनुकूल प्राप्त होगा, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में आप सफल होंगे, कारोबार के क्षेत्र में आपके काम बनेंगे और धन लाभ के अवसर मिलेंगे, रहन सहन में उत्तमता और दिन खुशियों से बीत जाएगा। क्या करें, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें, बेवजह फिर बदल ना करें। नमोनाय। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, गोचर ये कह रहा कि थोड़ा सा मान सम्मान की चिंता का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि अकारण जो बिना मतलब का अहंकार है उस पर काबू रखें,
खर्चों पर काबू रखे, कार्य में लापरवाही पर थोड़ा सा ध्यान दे, लापरवाही नहीं बरते, क्योंकि घूमने फिरने मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी और इस पर खर्चा भी बढ़ेगा, इस पर थोड़ा सा काबू रखें। अधिकारी वर्ग को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी होगा और संतान पक्ष पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इस सुबह से लेकर शाम तक ऐसा ही है, थोड़ी सी सावधानी से काम करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। क्या करें, कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करें, क्या ना करें, आज के दिन कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। नवनायन और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य में रुचि बढ़ेगी, सरकारी अधिकारी का विशेष सहयोग बना रहेगा और नई व्यवसायिक योजना सफल होगी, धन लाभ और प्रसन्नता होगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें, वाणी की अनुकूलता को बनाए रखें, क्या ना करें, किसी भी क्षेत्र में आज लापरवाही ना बरतें। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्र पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, मेरे विचार है, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भगवान सूर्य देव को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र, दर्शनों के लिए दादी धाम ले चलूंगा। और एक बात और कहना चाहता हूं कि इस समय में श्री शनि धाम, शनि तीर्थ क्षेत्र पाली, गोल निमड़ा, खेतावास रोड, सोजत पाली हाईवे पर, ये एक महीने का मेरा चातुर्मास है। भगवान शनिदेव की हाजिरी में अद्भुत अद्भुत ये एक महीने का ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान है। और अद्भुत रहेगा ये, वे लोग जो भीतर में जाना चाहते हैं, वे लोग जो भीतर की पगडंडियों पर चलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हर रोज कैसे साधना से जुड़ा जाए, मैं उनके साथ रहूंगा। श्रावण के इस पावन पर्व पर हर रोज मां रुद्र यज्ञ अनुष्ठान होगा और मैं वहां व्यक्तिगत भी लोगों से मिलूंगा। हर रोज दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में समाधान का समय होगा। 29 वर्षों की तपस्या से अभिमंत्रित वो जल, वो प्रसाद, वो भस्म स्वयं अपने हाथ से देने का प्रयास करूंगा। श्री शनिधाम, शनि तीर्थ क्षेत्र, गोल निमड़ा, खेतावास रोड पाली, सोजत पाली हाईवे पर ये है। और किसी तरह की जानकारी के लिए 9414124600 इस नंबर पर संपर्क करें, मैं आपको वहां मिलूंगा, सहयोग करने की कोशिश करूंगा। निरंतर एक महीना महादेव की शरण में रहूंगा। श्री शनिधाम, शनि तीर्थ क्षेत्र, गोल निमड़ा, खेतावास, सोजत पाली हाईवे, ये अद्भुत स्थान है मेरा, मैं वहां रहूंगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भगवान सूर्य देव को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यदि संपूर्ण प्रयासों के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही, अनावश्यक रूप से कार्य बाधा आ रही, समाज परिवार में अपनी बात रखने वाली, मन हमेशा डिप्रेशन में रहता है, सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो हर रोज नित्य कर्म नियोजन स्नानों उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के उपरांत भगवान सूर्य को 5 लाल पुष्प अर्पित करिए। तत्पश्चात शुद्ध आसन में बैठ जाइए, ओम विद्यात्मने नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं रविवार के जीवन मंत्र। कुछ सूत्र हैं मेरे जीवन के, जिसे मेरा जीवन सहज हुआ तो मैं चाहता हूं उन सूत्रों पर आप भी काम करें। बहुत से लोग दूसरों की दृष्टि में अच्छा बना रहना चाहते हैं, अच्छा बनना नहीं चाहते, केवल अच्छा दिखना चाहते हैं, ये बात अच्छी नहीं है।
इससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि वे वास्तव में अच्छे बने और अपनी दृष्टि में अच्छे दिखे, तो वास्तव में उनकी उनके उन्नति होगी और उनका कल्याण होगा। ये नियम मेरे पे भी लागू होता है, शंपाऊं समाज पे भी लागू। यदि इस नियम को अपना दे तो हमारी बहुत सी बीमारियों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण। समय छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और ये समय है प्रभु के दर्शनों और दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। शनि देवा हरि ओम तत् सत् जय 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 शनि देवा नमो नारायण। ब्रेक के बाद आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना। गुरुमंत्र में आज इतना ही। कल पुनः गुरुमंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन का उपाय सोमवार का राशि पर महादेव को कैसे मनाए, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र सुझाव, देशी नुस्खे, उपाय और वास्तु सलाह लेकर आऊंगा। लेकिन आज अपनी गलती, अपनी गुना, अपनी भूल की माफी मांगते अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।